बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब लोग ठीक होंगे। और जी ये है जी पार्ट 2 लाहौर फोर्ट का। और इस टाइम अब हम शाही किले से निकल के अब हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद की साइड पर और इलामा इकबाल के मज़ार पर। और शाम का टाइम हो चुका था काफ़ी, तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। और जी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने लाहौर फोर्ट का पार्ट 1 नहीं देखा, यानी कि शाही किले का सारा मैंने अंदर से जो नज़ारा है आप लोगों को वो अपनी नज़रिए से करवाया है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर लाइफ विद मरियम पर मौजूद है। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और जी ये है पार्ट 2। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश था, बहुत से लोग आ रहे थे और बहुत से लोग जा रहे थे। तो जी आप भी मेरे साथ इंजॉय करें इस सफ़र को। और यहाँ की खूबसूरती, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है ये माशाल्लाह से। तो जी अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। जी ये हम आ चुके हैं जी हमारे नेशनल पोइट के मज़ार पर, मोहम्मद लामा इकबाल। मोहम्मद लामा इकबाल ओके मज़ार पर हम लोग अंदर आए थे, एंटर हो चुके हैं। और जी यहाँ पे सब फातिहा पढ़कर बारी बारी और बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे थे। और इसके बाद जी हम जाएंगे उधर बादशाह मस्जिद। अच्छा जी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत देर बाद तकरीबन 10 से 12 साल बाद के 15 साल बाद मैं यहाँ पर गई थी। और मुझे याद है कि थोड़ा थोड़ा सा कि जब मैं छोटे होते यहाँ पर गई थी तो यहाँ पर इनकी जो जो कब्र बनी हुई है इसके इर्द गिर्द सारे 1 रुपये के वाइट कलर के नोट होते थे, सारे वो रखे हुए थे। और जी हम यहाँ पर आ चुके हैं बादशाह मस्जिद के ऊपर। यहाँ पर जूते जो होते हैं टोकन पे रखते हैं, जूता उतार के अंदर जाते हैं। तो मैं यहाँ से ये व्यू ले रही थी और इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू था माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा था। और जी अब हम सब अंदर एंटर होंगे। और जी यहाँ पर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, फिलहाल तो बहुत ही बुरा हाल था। इस टाइम हम थक बहुत ज़्यादा गए थे और इस टाइम हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की। और ये जो ऊपर इनकी गैलरी सी बनी हुई है जहाँ पर कुरान पाक और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ उस साइड पर मैं नहीं गई थी क्योंकि टाइम भी थोड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसकी वजह से फिर मैं ऊपर नहीं गई। और कुछ वो बिल्कुल बंद है कि सांस रुकता है वहाँ पर, तो इसलिए हम ऊपर नहीं गए थे। और जी आंटी जो है फुल फोला फाली मेरे पर्स की कर रही है अभी मैं कुछ भी नहीं था हमारे पास, फिर भी वो चेकिंग उनका है तो वो कर रही थी। और जी यहाँ पर हम अंदर एंटर हो चुके हैं। और बादशाह मस्जिद के अंदर हम एंटर नहीं हो सके थे, अंदर का व्यू नहीं मैं दे सकी थी क्योंकि वहाँ पर आज कुछ निकाह थे जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी, तो शोर आ गई बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर जानों के दौरान बहुत शोर था जिस वजह से फिर मैं अंदर एंटर हम नहीं हो सके। और हमने यहीं पर जो था थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर अल्लाह इल्ला इल्ला अल्लाह।
काफ़ी टाइम हो चुका था और अब हम आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, तकरीबन 7:30-8 का टाइम था और अब हम लोग घर जा रहे हैं घर। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस साइड पर आया था कि जब हम निकले हमें नहीं था पता, तो और अचानक यहाँ पर डांसिंग शावर स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया यहाँ पर, और इतने ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे थे। और जी आप भी देखें जी, जिन्होंने ये डांसिंग शावर नहीं देखे हुए तो आप भी इंजॉय करें। और इस जगह को कहा जाता है जी ग्लिटर पार्क लाहौर। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएँ, और मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा इंस्टाग्राम पर पेज भी है, अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। मरियम इरफान 75 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको मेरा जो इसका थंबनेल है मेरे आईडी का वही लगा हुआ है, उस पर आपको पता लग जाएगा। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। और जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा वो लाजमी मेरे चैनल पर जाके पार्ट वन भी देखें, आप उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thank you.
Catch a glimpse